नमस्कार दोस्तों, द पॉलिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ईश्वर तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गल्फ कंट्री द्वारा उठाए गए एक बड़े कदम के बारे में, जिससे उसकी इकोनॉमी को काफी हद तक मजबूती मिलेगी इस डिसीजन से। तो जानेंगे इसी वीडियो में कि क्या है वो डिसीजन जो UAE द्वारा लिया गया है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई मस्ट टेल यू, अगर आप UGC नेट और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो द पॉलिटिकल वे आपके साथ है। इस चैनल पर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी जानकारियां दी जाएगी। वीडियो के सही लगने पर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। अभी हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि UAE गल्फ कंट्री का पहला एक देश बना है जिसने गवर्नमेंट सेक्टर में 4.5 डेज को मैंडेटरी कर दिया है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द वर्क। ये बहुत ही बड़ा कदम है जो UAE सरकार द्वारा उठाया गया है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय को काफी रिलीफ मिलेगा काम के दौरान और वो अच्छे से अपने काम को कर सकेंगे, क्योंकि हफ्ते में केवल सोमवार से बृहस्पतिवार को उनको 8 घंटे काम करना पड़ेगा और शुक्रवार को उनको जुम्मे के चलते आधे दिन तक सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक काम करना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा कदम है जो UAE सरकार ने लिया है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और ये जो कानून है वो 1 जनवरी 2022 को पूरे संयुक्त अरब अमीरात में लागू हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर भी इस डिसीजन को अपने प्राइवेट सेक्टर में एनफोर्स करने के लिए सोच रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को भी एक बूस्ट मिल सके, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में ये ज्यादातर देखा गया है कि वो भी अपने एम्प्लॉय को हफ्ते में 4.5 दिन तक काम करने का मौका देते हैं, जिससे वो टेंशन फ्री होकर अपने काम को अच्छे से कर सके और अपनी कंट्री के इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आपका इस बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सरकार एक तरफ जहां 12 घंटे काम को मैंडेटरी करने में लगी हुई है प्राइवेट सेक्टर में, तो भारत में तो इसको देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सच में एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर भी इस लॉ को लागू कर देता है अपने एम्प्लॉय के लिए, तो भारत से UAE जाने वाले जितने भी लोग हैं या बाहर के जितने भी UAE में कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये उनको हेल्प करेगा टू बूस्ट द इकोनॉमी एज वेल एज देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है जिसे UAE सरकार द्वारा उठाया गया है फॉर बूस्ट द इट्स इकोनॉमी एज वेल एज द क्रिएटिव एंड बैलेंस एनवायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इस स्टेप के साथ गल्फ कंट्री में UAE संयुक्त अरब अमीरात फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गया है खाड़ी देशों में, जिसने ये कानून अपने यहाँ पर लागू किया है, क्योंकि ये बेसिकली वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन को दर्शाता है। और जहाँ पर एक तरफ बहुत से मुस्लिम राष्ट्र हैं वो कट्टरवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों के भी कुछ ऐसे देश हैं जो इन सबसे ऊपर उठकर मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करके अपने एम्प्लॉय का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।